मी माई सेल्फ एंड आई. क्या आप भी हमेशा ऐसे ही सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया आपके चारों साइड घूम रही है, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ही हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं या अगर आप इसका ऑपोजिट भी सोचते हैं तो इस वीडियो को देखें और जानें आखिर नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है, आखिर कौन लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं. हे गाइस, मैं हूँ अदिति और आज मैं आपको नार्सिसिस्ट वर्ड का मीनिंग बताने वाली हूँ और आप इसको सुनते रहिए आखिर इसका क्या मतलब होता है. ऐसा पर्सन जो हमेशा सिर्फ खुद को एडमायर करता है, जिसको लगता है पूरी दुनिया उनके चारों साइड घूम रही है, वो अगर एक ग्रुप में भी है तो उनको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो खुद है. ऐसे लोग को नार्सिसिस्ट बोला जाता है जो सिर्फ सेल्फ एडमायरेशन में काम करते हैं. वैसे ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ही इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास के लोग भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाएंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा. तो अगर आप सोशल बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ऐसे मत रहिए, और अगर आप सोशल नहीं है तो फिर आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्या आप नार्सिसिस्ट हैं? तो इस वर्ड के बारे में आप जान गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय, थैंक यू.